हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। दिस इज अंकिता एंड यू वाचिंग स्कूट विद अंकु। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी हम निकलने वाले हैं श्रीनगर से। एग्जैक्ट मुझे लोकेशन पता नहीं, बट हम लोग अभी आज जोजिला पास क्रॉस करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज ठीक है, जोजिला पास बहुत ही मतलब हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट नहीं बोल सकते बट बहुत ही टफेस्ट में एक गिना जाता है उसे। और इस टाइम पे मतलब अभी बारिश भी हो रही है एंड ऊपर से वहाँ पे स्नो भी बहुत है, अभी तक वो पिघला नहीं है, तो उसी वजह से वो ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और वहाँ पे अभी फिलहाल टाइमिंग भी कम रखा है कि 6 से 10 बजे तक ही आप जोजिला पास क्रॉस कर सकते हो, इसलिए हम सबको जल्दी निकलना पड़ेगा। मतलब अभी आप और आधा घंटा है, 4:30 बजे हमारा निकलने का प्लान है सबका, तो इसलिए हम मतलब रात को ज़्यादा सो भी नहीं पाए आज, बिकॉज रात को ब्लॉग एडिट करने के बाद मुझे 12 बज गया। उसके बाद मेरा थोड़ा स्टमक में पेन होने लगा था, फिर मैंने दवाई खाई रात को 1:30-2 बजे तक, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ स्टमक, क्योंकि पेन भी हो रहा था। मुझे लगता है थोड़ा एसिडिटी या फिर खाने में कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरा, तो इसलिए ये हो गया। क्योंकि मुझे एक्चुअली ना राजमा एंड पनीर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कहीं पे बाहर जाके खाती हूँ, तो शायद उसी की वजह से मेरा पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। दैट्स वाई मैंने अभी मेडिसिन तो ले ली है, बट ठंड अभी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी सुबह के 4 बजे इतनी ज़्यादा ठंड है और बाहर अभी भी आवाज़ आ रही है कि मतलब बारिश आ रही है, तो इसलिए अभी हम लोग पूरा रेनकोट वो सब अभी पहन के निकलने वाले। और जो मेरी जो लगेज बैग है ना, उसमें कल थोड़ा सा शायद ना नीचे से पानी चला गया था, तो नीचे के कपड़े ना सब भीग गए थे, तो उसको हम लोग ने सुखाया ड्रायर से। पर डेंडू थोड़ा भी उसको वापस से मुझे अच्छे से पैक करना पड़ेगा प्लास्टिक से, बिकॉज अभी जाते वक्त वापस हमें बारिश तो मिलने ही वाली है और पता नहीं वाटर क्रॉसिंग भी होगा, तो कुछ भी आइडिया नहीं आगे का रास्ता कैसा है, मौसम कैसा है। सो इसलिए वापस पूरा प्रिपरेशन करते हैं। आज मैंने बॉडी वार्मर भी पहन लिया है, अभी मैं अपने जैकेट के अंदर एक और लाइनर डालूंगी, कल मैंने सिर्फ विंटर लाइनर डाला था, तो आज मैं एक और रेन लाइनर भी डाल देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा मतलब वार्म फील हो। और सो देखिए कैमरा मेरा ऑलमोस्ट अभी चार्ज होने ही वाला है। यहाँ पे सब, ये मेरा मेन बैग है, ये टॉप बॉक्स है, और ये अपना कल का ही है, पर उसको हम लोग ने साफ नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, वापस गंदा होने ही वाला है। और यहाँ पे मैंने अपना रेनकोट सुखाने रख दिया था, ये देखिए मेरा जैकेट। चलो फटाफट रेडी करते हैं सब कुछ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस बार पता नहीं हमें विदाउट रेनकोट और पैंट मिलेगा कि नहीं, चलने कल सुबह से जो बारिश गिरी कंटिन्यूसली चली रहा है। सामान अभी लोड कर चुके हैं हम लोग और इस बैग को दूसरा प्लास्टिक लगा दिया, मतलब कुछ प्लास्टिक के अंदर ही बैग को डाल दिया ताकि पानी ना घुसे, बिकॉज कल बहुत पानी चला गया था अंदर। और ये रहा पीछे का पूरा सेटअप, तो आज मैं सिंगल ही चलाने वाले बिकॉज बहुत ही ऊपर चढ़ना है, हमें जोजिला पास क्रॉस करना है, इसलिए बाकी डन है, बाकी सबका अभी चल रहा है काम। सुबह के बज गए कुछ 5 और अभी हम निकल चुके हैं हमारे आगे की सफ़र की तरफ। अभी हम जा रहे हैं जोजिला पास क्रॉस करने के लिए और आप सामने मेरे देख सकते हो डल लेक। सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पे कश्मीर में आप कभी भी आओ, मतलब ठंडी में आओ, ऑटम में आओ या फिर बारिश में आओ, पूरा मतलब जब भी आओगे यहाँ पे सुंदर ही लगता है। ऐसा लगता है भगवान ने इसको पूरा मतलब बोलते ना सारे भगवान मिल के इसको बनाए, इसलिए इतना खूबसूरत लगता है। ये देखो ना, इतना बारिश है फिर भी कितना सुंदर लगता है, ज़रा भी डरावना नहीं लग रहा था। तो इसके बाद हम चले नाश्ता करने के लिए, ये नया ही ब्रिज बना था इसके ऊपर से हम जा रहे थे, अभी हम करेंगे नाश्ता। तो गाइस अभी भी बहुत ही ज़्यादा बारिश गिर रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे आके एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए रुके। और मेरे सामने जो नदी बह रही है ना, वो आपको अभी दिखाऊंगी, इतनी सुंदर लग रही है। और आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी कि नदी बहने की, तो अभी आपको दिखा दूँ पीछे का कैमरा ऑन करके। ये देखिए वाह, बहुत ही सुंदर नजारा है, ऊपर पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, बारिश आज रुकने का नाम नहीं लेगी शायद, धूप का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, आज पूरा दिन बारिश गिरने वाली है।
सो अभी सुबह का नाश्ता चॉकलेट ब्रेड मिल्क पैक जो है बटर डाल देना सब। हाँ यार ये चीज़ें और बहुत ये अच्छी हैं। कॉफी जो आधी मैंने पी ली है। फटाफट नाश्ता करते हैं। अभी हम गुजर रहे थे सोनमार्ग से, जो कि कश्मीर का बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन बोल सकते हो, या फिर बहुत ही पॉपुलर घूमने की जगह है, जहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे एक रात ठहरते हैं। और आप जानते हो ये जो सोनमार्ग है, इसे एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है, बिकॉज़ ये एक सिल्क रोड के तरह इसको यूज़ किया जाता था, जो कि कश्मीर और तिब्बत से जोड़ा जाता था। और 8,960 फीट अबाउट द सी लेवल है, और यहाँ पे बहुत ही टॉलेस्ट पीक है, जैसे कि मैकाओ ग्लेशियर, सरबल पीक, कोलावई पीक, अमरनाथ पीक एंड मकॉय और पीक। सोनमार्ग में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैकिंग होता है, जिसे कहते हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स। यहाँ पे 6 to 7 लेक्स बहुत ही पॉपुलर है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से ये ट्रैकिंग करने आते हैं। उस लेक के नाम है विशनसर लेक, कृष्णनसर लेक, गंदरबल लेक एंड गनसर लेक, जो कि हिमालय में पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है, ज़रूर आप ये ट्रैक कीजिए। अभी सोनमार्ग पहुँचने के लिए और 30 किलोमीटर्स बाकी है, बट ये जो रूट है ना गाइस, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, आप जहाँ भी देखो मतलब बस खूबसूरती है। तो अभी हम यहाँ पे ठहरे हैं कुछ फ़ोटो लेने के लिए, बिकॉज़ मतलब मन भर ही नहीं रहा है, मतलब इतना बारिश भी है, पर व्यू यहाँ का देखोगे ना बॉस, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे मेरे सामने अभी स्नो कैप माउंटेन है, अभी ये देखिए गाइस जन्नत, तो सामने दिखाई दे रहा है वो पूरा स्नो कैप माउंटेन है, ये देखो। और ये हमारे सारे बाइक्स और ये मेरी स्कूटर खड़े है यार। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। ये देखो यहाँ से धुआं निकल रहा है। सो फिलहाल अभी तक हम लोग सोनमार्ग में ही है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना ना कैमरा जो है यहाँ पे चार्ज में लग दिया है मैंने, बिकॉज आगे बहुत ही अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं। जोजिला पास मेन हम लोग क्रॉस क्रॉस करने वाले, और बाकी के लोग वहाँ पे गमबूट्स खरीद रहे, मेरे साइज़ का है नहीं तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। और बाकी अपनी स्कूटर की हालत देखो भाई, बहुत ख़राब हो चुकी है, बट फिर भी हाँ बहुत मज़ा आ रहा है बहुत, मतलब। तो अभी हम सोनमार्ग से निकलते वक्त ये जो आप सुंदर नज़ारे देख रहे हो आजू बाजू में, यहाँ से हम बढ़ते हुए जा रहे थे जोजिला पास की तरफ, और आप साइड में देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स देख के इतना अच्छा फील हो रहा था। बट हम इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आगे आगे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने मिलेगा। और ये जो आप रूट देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस महीने में आते हैं, मतलब मई के एंड एंड से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना चालू हो जाते हैं। और मेरे राइट साइड पर आप बड़े बड़े पिक्स देख सकते हो, और उसके ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, और थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब, कहीं अच्छा कहीं ख़राब। गाइस अभी हम जा रहे हैं जोजिला की तरफ, और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है बर्फीले पहाड़, कितना सुंदर लग रहा है अभी नज़ारा। और अभी ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अभी असली जो मज़ा करने आया अभी वो होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली सीन क्या, वो मैं बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे को SJKM का जो जो कवर था, वो मैं होटल में ही भूल चुकी हूँ, और अभी मुझे पूरा फिलहाल ले तक तो मुझे वाटरप्रूफ कवर में डाल के लेके जाना पड़ेगा, और मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग मतलब कुछ बात नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ेगा। पर आप पीछे का एक ग्लेशियर लुक एट दिस गाइस, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखो पूरा। अरे अपनी डियो रानी खड़ी है यहाँ पे, दौड़ रही है, दौड़ रही, चल नहीं रही है ये, दौड़ रही है। और नीचे देखो सिंधु नदी बह रही है ब्लू कलर की। तो अभी हम बढ़ रहे थे जोजिला पास की तरफ, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में कितना टफ होते जा रहा था धीरे धीरे। अभी तो आपको बर्फ़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, पर आगे आप जैसे ही देखते रहोगे अभी बर्फीले पहाड़ और ये और ज़्यादा टफ होते जाता जा रहा था। और जोजिला पास पड़ता है 11,575 फीट पे, और ये हिमालयस का बहुत ही टफेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो पास है, बिकॉज ये आपको कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। और यहीं से मतलब सारा सामान यहीं से गुजरता है, और यहाँ का जो पास है यहाँ पे मतलब आपको मतलब बहुत ही टफेस्ट रूट मिलता है, इसलिए इसे ठंडी के मौसम में बंद रखा जाता है। बट जल्दी ही आपको यहाँ पे जोजिला टनल भी देखने मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा वक्त है, तब तक यही रूट से जाना आना चालू रहेगा।
और धीरे 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 हम जोजिला पास की तरफ बढ़ते जा रहे थे और ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। और जैसे हम और ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे, ये जो रास्ता था और टफ होते जा रहा था, और स्कूटर के लिए थोड़ा टफ हो ही जाता है, जिसके जो सस्पेंशन होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं, मतलब स्ट्रांग नहीं कह सकते, बट इतना स्मूथ होता नहीं है, तो एक एक खड्डा जो था ना मुझे महसूस हो रहा था। और धीरे धीरे ना यहाँ पे मतलब बर्फ भी बढ़ती जा रहा था, और जो क्लाउड्स है वो भी पूरे नीचे आ गए थे, मतलब हम लोग एक्चुअली क्लाउड्स के पास पहुँच गए थे, पूरा फॉगी फॉगी नेचर हो गया था। सो गाइस अभी हम हैं जोजिला पास पे, ये देखो सामने पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, और सब मुझे घूर घूर के जा रहे हैं बिकॉज मैं यहाँ स्कूटर लेके जो आई हूँ। हाँ लेती हूँ ना। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा फॉग हो गया है अभी, आप देख सकते हो कुछ भी एकदम, अभी 5 to 10% विजिबिलिटी है। बहुत ज्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज्यादा। ये भगवान भाई खतरनाक है जोजिला पास, अभी जाके मुझे पता चला, बिकॉज लास्ट टाइम मैं आई थी तो कुछ भी नहीं था, पर इस बार एकदम अल्टीमेट है बॉस। ये देखो पूरा विजिबिलिटी नहीं है, एकदम जीरो विजिबिलिटी पे हम चल रहे हैं, साथ साथ आधे लोग आगे चले गए आधे लोग पीछे हैं। ये देखिए हमारे को राइडर धर्मेंद्र जी, चलो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठंड से तो भाई हालत खराब हो गई है, फिर भी पता नहीं चल रहा है, बिकॉज क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका ध्यान पूरा गाड़ी पे होता है इसलिए, और रास्ते इतने भी ज्यादा खराब नहीं है, आप देख सकते हो ये पूरा ब्लॉक्स बना हुआ है, और यहाँ पे मेरा एक फोटोग्राफ भी, आप पूरा देखो पूरा सफेद सफेद हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ भी नहीं। मेरा ना कैमरा की बैटरी है ना बहुत लो हो चुकी है, इसलिए मैं फोन से अभी ब्लॉक कर रही हूँ थोड़ा। ओह माय गॉड,
व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। इसीलिए तो आए थे यार हम लोग, इसीलिए तो आए थे। अब भी जाके मुझे मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं राइड पे आई हूँ। वाओ मैन, खतरनाक खतरनाक है, खतरनाक। ये जो पूरा शूट कर रही हूँ मैं, पूरा मतलब मुझे वीडियो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। और गाइस स्कूटर चल सकती है, ये देखो हमारी होंडा डियो जोजिला पास चल रही है गाइस। ये अगर होंडा डियो चल सकती है ना, तो कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटर चल सकती है। ये देखो सामने के पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, गाना ना ऊंची ऊंची पर्वत। ओ शिट, आगे आगे। ओ शिट, ये देखो सामने। हे भगवान, थैंक यू भगवान। ये जो देख रहे हो ना भाई, सच्ची बोलती हूँ, बहुत प्रे किया है मैंने और बहुत मेहनत की है, पैसे बचाए, सब खर्चे निकाल के ये इसके लिए किया है सब कुछ। ये देखिए इसके लिए। अभी हमने जस्ट जीरो क्या था वो, जीरो पॉइंट क्रॉस कर दिया है। और मैंने जो और ना मेरी स्कूटर पीछे बंद पड़ गई थी, बिकॉज पता नहीं क्या हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम था वहाँ पे, इसलिए शायद बंद पड़ गई थी। तो अपने एक कलीग है राइडर, उन्होंने पूरा मुझे टोचन दे दे के पूरा आगे तक लेके, और अचानक मैंने अपना सेल्फ स्टार्ट स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई। तो ऐसा अभी चल रहा है, तो थोड़ा टेंशन आ जाता है बीच में, बिकॉज मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत और सामने देखो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। ये देखिए यहाँ का नजारा, ये देखिए हमारे राइडर, नीचे देखो मौसम, देखो बस पूरा पूरा खराब हो चुका है मौसम। और पता नहीं इसमें मतलब एक्शन कैमरा में कुछ शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पिजन में इसको शॉट मतलब, अभी हम लोग ने ऑफ रोडिंग ही बहुत किया, पता नहीं वो शूट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। ट्रैफिक